हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपको मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं मुंबई इंडियंस टीम के बारे में कि कौन कौन से प्लेयर को रिलीज कर रही है, कौन कौन से प्लेयर को रिटेन कर रही है और कौन से प्लेयर को ट्रेड कर रही है। जी हाँ दोस्तों, लिस्ट आ गया है और 23 तारीख को मिनी ऑक्शन होने वाला है, जिसकी वजह से सभी टीमें अपने खिलाड़ियों को, जो मेन खिलाड़ी है उनको रिटेन कर रही है, जिनको उनको नहीं चाहिए उनको रिटेन कर रही है। उसके अलावा कुछ खिलाड़ियों को ट्रेड कर रही है जो उनको लगता है कि इसको हमारी टीम में होना चाहिए। तो समझ लेते हैं मुंबई इंडियंस के कौन कौन से खिलाड़ी को रिलीज कर रही है। तो मुंबई इंडियंस की तरफ से सबसे शॉकिंग है वो है रिलीज का केरन पोलार्ड। जी हाँ दोस्तों, जो केरन पोलार्ड है वो मुंबई की जान हुआ करते थे, अपने दम पे कितने सारे मैचेस दिखाए, बट लास्ट एक सीजन से उनका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं था जिसकी वजह से उनको रिलीज किया जा रहा है। उसके अलावा फेबियन एलन को रिलीज किया जा रहा है जो कि एक ऑलराउंडर है। उसके साथ साथ टाइमल माइल्स जो कि एक बॉलर है उनको भी रिलीज किया जा रहा है। उसके अलावा मयंक मारकंडे बॉलर हैं जो कि स्पिन बॉलर हैं, उनका परफॉर्मेंस कुछ थोड़ा मैच में अच्छा था, थोड़ा मैच में अच्छा नहीं था, तो उनको भी रिलीज किया जा रहा है। उसके साथ साथ ऋतिक शौकीन करके एक बॉलर है, उनको भी रिलीज किया जा रहा है। तो ये 5 प्लेयर को रिलीज कर रही है। अब जान लेते हैं मुंबई इंडियंस की तरफ से कौन से प्लेयर को रिटेन किया जा रहा है, यानी उस टीम में ही रखा जा रहा है, उनको रिलीज नहीं किया जा रहा है। तो सबसे पहले आपको रोहित शर्मा दिखेंगे। रोहित शर्मा कैप्टन जो है उनको रिटेन किया जा रहा है। सूर्य कुमार यादव को रिटेन किया जा रहा है। ईशान किशन को रिटेन किया जा रहा है। ईशान किशन के बीच में कुछ र्यूमर आए थे कि इनको भी रिलीज कर देगी, बट उनको रिलीज नहीं की है, उनके साथ ही बनी है। उसके अलावा आपको तिलक वर्मा देखने को मिल जाएंगे जिसको रिटेन की है। उसके साथ साथ आपको बुमराह देखने को मिलेंगे जो कि मेन बॉलर है मुंबई इंडियंस के, उनको भी रिटेन किया है। उसके साथ साथ आपको देखने को मिलेगा टिम डेविड को भी रिलीज नहीं कर रही है, रिटेन कर रही है। उसके अलावा आपको ट्रिस्टन स्टम को देखने को मिलेगा जो कि साउथ अफ्रीका के बल्लेबाज है, बिग हिटर है, उनको भी रिटेन कर रही है। उसके साथ साथ आपको देखने को मिलेगा डेवाल्ड ब्रेविस, ये भी साउथ अफ्रीका के बिग हिटर हैं, इनके साथ भी जा रही है। उसके साथ साथ डैनियल सैम को भी रिटेन कर रही है। तो ये इसके 10 प्लेयर हैं जिसको मुंबई इंडियंस रिटेन कर रही है। उसके साथ साथ मुंबई इंडियंस ने एक प्लेयर को ट्रेड किया है जिसका नाम है जोसन बेनड्रॉफ। इसको RCB का था, अभी ये मुंबई इंडियंस की तरफ से आ गया। तो अभी मुंबई इंडियंस की तरफ से 5 प्लेयर को रिलीज कर दिया गया है, 10 प्लेयर इनके पास पहले से थे और एक प्लेयर इसको ट्रेड किया है। तो अभी मुंबई इंडियंस के पास 11 प्लेयर हो गए हैं। उसके अलावा मुंबई इंडियंस के पास अभी 5,10,00,000 रुपये हैं, जिसमें से जो रिलीज के प्लेयर हैं, जिसमें से पोलार्ड जो हैं काफ़ी महंगे बिकेंगे, तो जितने रिलीज के प्लेयर हैं उनका जो दाम है वो मुंबई इंडियंस के पॉकेट में आएगा, तो और भी बहुत सारे प्लेयर को खरीद सकती है। तो हम 23 तारीख तक इंतजार करेंगे कि मुंबई इंडियंस कौन से प्लेयर पे और खरीदने वाली है। दोस्तों आप कमेंट करके बताएं कि कौन से प्लेयर को लेना चाहिए, कौन से प्लेयर को रिलीज करना चाहिए, मुंबई इंडियंस के लिए कौन सा प्लेयर बेहतर है। आप अपनी राय दें कमेंट में और देखते हैं 23 तारीख को कौन से प्लेयर को खरीद रही है।